क्या आपने सोचा कि इंडिया में जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग खेला जाता है इसके अंदर सबसे महंगी टीम, मतलब कि जैसे हमारे राजस्थान रॉयल है, चेन्नई सुपर किंग है, मुंबई इंडियंस है, इसके अंदर आज तक में सबसे महंगी टीम कौन सी है जिसका बजट सबसे हाई हो? या फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे पृथ्वी पे सबसे महंगा एलिमेंट जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया, ऐसे कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे महंगा है? तो गाइज कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को हम लेकर आए हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको इन फैक्ट्स को सुनते के साथ ही आपको मजा आएगा, आपके दिमाग से बस एक ही वर्ड निकलेगा, दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5 है हमारा, दैट इज मोस्ट एक्सपेंसिव टीम ऑफ आईपीएल इन हिस्ट्री, मतलब कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगी टीम, तो इसका जवाब है चेन्नई सुपर किंग, जिसका बजट 78.8 करोड़ था, जो आईपीएल के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा बजट रहा। इसके बाद साथ ही दूसरे नंबर पे आती है राजस्थान रॉयल, जो कि अप्रोक्सीमेटली 74 करोड़ का इसका बजट रहा। फैक्ट नंबर 4 आता है, दैट इज इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा प्लेयर ऑक्शन के अंदर किसको खरीदा गया है? तो ऑफ कोर्स आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्रिस मॉरिस? नहीं, एक्चुअली हमारा आंसर है विराट कोहली, जो उसका जो अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़, मतलब कि 17 करोड़ रुपए में ऑक्शन में उनको खरीदा गया था, जो 2018, 2019, 2020 एंड 2021 जो कि आरसीबी के लिए खेले गए थे, और इस पीरियड में वो बतौर कप्तान के रूप में आए थे, तो सबसे हाईएस्ट है इनका 17 करोड़। वहीं पे दूसरे नंबर में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे हमारे क्रिस मॉरिस, जो कि 16.25 करोड़ के आसपास इनको परचेज किया गया था ऑक्शन के अंदर, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले। फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं, तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव, मतलब कि अगर हम पृथ्वी पे बात करें कि सबसे महंगा एलिमेंट कौन सा हो सकता है, जैसे गोल्ड हो सकता है, प्लैटिनम, ओके, डायमंड नहीं हो सकता क्योंकि डायमंड तो एलिमेंट में नहीं आता, ये एक टाइप का एलोट्रॉप हो जाता है। तो एलिमेंट की बात करें, सबसे महंगा एलिमेंट, तो सबसे महंगा एलिमेंट जो है हमारा वो है फ्रेंसियम। फ्रेंसियम एक ऐसा एलिमेंट है जो पृथ्वी पे बहुत ही कम पाया जाता है, अगर इस पूरी पृथ्वी पे बात की जाए तो ये ओवरऑल सिर्फ 30 ग्राम पाया जाता है पूरी पृथ्वी पे। इसका जो प्राइस है वो है $1 बिलियन पर ग्राम, $1 बिलियन मतलब कि इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 7,646 करोड़ रुपीस, जो कि अपने आप पे बहुत ज़्यादा रकम है, दैट्स अमेजिंग। तो गाइस फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं, क्या आपने सोचा कि वेजिटेबल के अंदर अगर आप मार्केट में जाते हो और वेजिटेबल खरीदते हो तो मैक्सिमम वेट कितना आपने देखा है? लाइक आपने गोभी को लिया तो उसका वेट 2 किलो हो सकता है, 3 किलो हो सकता है, तो ऐसे अगर वर्ल्ड वाइड में चेकआउट किया जाए तो कौन से वेजिटेबल का वेट मैक्सिमम है, मतलब कि अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चेकआउट किया जाए तो कौन से वेजिटेबल का सबसे मैक्सिमम वेट अभी तक रिकॉर्ड किया गया है? तो इसका आंसर है पम्पकिन। पम्पकिन एक ऐसा वेजिटेबल है जो कि नॉर्मली बिग साइज का हमें देखने को मिलता है, मगर इसका जो मैक्सिमम वेट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में वो जो वेट रिकॉर्ड किया गया है वो है 1226 किलो, मतलब 1226 केजी। जिस फार्मर ने इसको उगाया उसका नाम था पुट्रुप्पी फ्रॉम इटली। ऐसी फैक्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1 हमारे पास आता है कि आपने कभी सोचा है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो और देखते हो कि ट्रेन्स लगी हुई हैं, तो वो ट्रेन्स के मतलब कि इंजन से, इंजन के पीछे एक कोच, दूसरा कोच, तीसरा कोच, है ना, तो इस तरीके से अगर कोच लगा दिए जाए तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? तो हमारे इंडिया के अंदर जो आज तक के टाइम पे सबसे मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन इन लेंथ, तो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जो है मतलब कि एक इंजन, उसके पीछे कोच, देन उसके पीछे कोच, ऐसे कोच कोच करते हुए जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज 2.8 किलोमीटर, जो कि कितना है 2.8 किलोमीटर। ट्रेन का नाम है शेषनाग।
ट्रेन का नाम है शेषनाग जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.8 किलोमीटर है। मतलब ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। शेषनाग जो है एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की कैटेगरी में आता है। IRCTC ने इसका रिकॉर्ड 2.8 किलोमीटर लॉन्ग अभी तक का रिकॉर्ड किया जो कि इंडिया का सबसे मैक्सिमम ट्रेन की लेंथ है। तो गाइज ऐसे ही गजब के फैक्ट्स को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे अगले अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।